वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लोग आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, क्या हुआ है अभी अभी हाल फिलहाल में, नासा, ये जो नासा है इसका नाम आप अच्छे से जानते होंगे। नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका यानी कि USA, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ये आपका हो गया USA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, यहाँ की स्पेस एजेंसी है, यानी कि स्पेस में जो भी आपके जो भी फ्लाइट मतलब रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं या कोई भी आपका क्या क्या कहते हैं सैटेलाइट भेजी जाती है, तो नासा ऑपरेट करता है। जैसे हमारे इंडिया में, हमारे भारत में इसरो, ठीक है, इसरो ऑपरेट करता है, ठीक उसी तरह से अमेरिका में क्या ऑपरेट करता है, नासा ऑपरेट करता है। ठीक है, तो नासा की पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो देखिए क्या किया है, ये अभी चर्चाओं में आ गया है तुरंत, क्यों चर्चा में आया है। ठीक है, तो देखिए नासा ने एक बड़ा काम किया है, जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर कोई आप अच्छा काम करो, एक बेटा है, एक लड़का है या लड़की है, ठीक है, उसके बालक अगर अच्छा काम करते हैं तो क्या कहते हैं कि इसने तो पिताजी के नाम का या परिवार के नाम का झंडा गाड़ दिया है। ठीक है, उसी तरह नासा ने क्या किया है, ठीक है, उसने भी कुछ ऐसा बड़ा काम किया। उसने क्या किया है, चंद्रमा पर यानी कि मून पे उसने एक प्लान बनाया था कि भाई 2024 तक हमें किसी भी हालत में इंसान को लेके जाना है वहां पे। ये उसकी प्लानिंग चल ही रही थी, ऑलरेडी चलती रहती है, ठीक है, तो लगातार चल रही थी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद क्या हुआ भाई, चंद्रमा पे जाएंगे, मून पे जाएंगे तो वहां पे लोगों को रहना पड़ेगा, ठीक है, सारी फैसिलिटी वगैरह वहां पे चाहिए होंगी, रहने खाने पीने की सारी फैसिलिटी चाहिए होंगी, तो साथ ही साथ कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी चाहिए होती है, जिस तरह से हम यहाँ पे, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, नेट चलाते हैं, ऐसे ही फैसिलिटी आपको वहाँ पे मून पे भी चाहिए होंगी। ठीक है, तो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कैसे कराया जाए, इसको सोचते हुए नासा ने क्या किया है, वहाँ पे एक 4G, ठीक है, जैसे पहले 3G चलता था, 2G चलता था, ऐसे 4G चलता है, ठीक है, तो एक 4G, ठीक है, LTE टावर, ठीक है, आप देखते हैं मोबाइल में ये LTE लिखा हुआ आता है, तो उसने डिसाइड किया कि 4G LTE टावर वहां पे लगाया जाएगा। ठीक है, और कौन लगाएगा, तो नासा ने इसके लिए जो चयन किया, जिस कंपनी का सिलेक्शन किया है, उस कंपनी का नाम आप भली बात ही जानते हैं, उस कंपनी का नाम क्या है, नोकिया। ठीक है, तो वहां पे ये मून पे खंबा गाड़ने वाले हैं, ठीक है, कहते हैं ना झंडे गाड़ दिए, ठीक है, झंडे नहीं गाड़ दिए इसने, तो खंबा ही गाड़ दिया, पूरा का पूरा टावर लगाने जा रहा है वहां पे। ठीक है, तो जैसे बच्चे कहते हैं ना, बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि भाई आप तो पिताजी के नाम के परिवार के नाम के झंडे गाड़ेंगे, तो इन्होंने नासा ने गाड़ दिया खंबा। ठीक है, कौन सा खंबा, 4G LTE, ठीक है, तो इसने गाड़ दिया वहां पे खंबा, और ये खंबा गाड़ने जा रहे हैं कब, 2024 तक इंसान को वहां पे ले जाएंगे, तो इनकी उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग 2022 तक, ठीक है, ये खंबा वहां पे गड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क आने शुरू हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए भाई ये बड़ी अच्छी खबर है, ठीक है, कि नोकिया ने ये सब, नोकिया पहले से आप जान रहे थे कि नोकिया के जो हैंडसेट चला करते थे, मोबाइल वगैरह इंडिया में काफ़ी चला करते थे पहले, ठीक है, अब हाल फिलहाल नोकिया इतनी ज़्यादा सुनने में नहीं आ रही थी, क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनियाँ उस मोबाइल के फील्ड में आ चुकी थी। ठीक, तो नोकिया के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि भाई उसको नया प्रोजेक्ट मिला है। अब देखिए क्या है, वहाँ पे जो ये टावर लगाया जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टावर आप खड़ा कर देंगे वहाँ पे, ठीक है, तो वह भी बहुत ही कॉम्पैक्ट, ठीक है, यानी छोटे कॉम्पैक्ट साइज के, ठीक है, वहाँ पे ये 4G ब्रॉडबैंड लगाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, नोकिया को ये मिला है, ठीक है, तो नोकिया वाले भाई बहुत खुश हैं, ठीक है, और नासा वालों को तो भाई करना ही था वो काम। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो आप थोड़ा जान लीजिए, ये जो हमारी नोकिया है, सॉरी नासा है, इसके जो हेड हैं इस टाइम, इनका नाम है जिम ब्रंडस्टाइन। ठीक है, क्या नाम है इनका, जिम ब्रंडस्टाइन। ठीक है, जो ये क्या है भाई, इसके क्या कहते हैं, नासा के हेड हैं इस टाइम, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर है मेन। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है जो नासा का, वो कहाँ पे है, वो होता है आपका वॉशिंगटन। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन कहाँ है, वॉशिंगटन DC कहाँ पड़ता है, USA में पड़ता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद और कुछ चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में कि भाई ये मून का चंद्रमा पे लगने वाला पहला टावर है, पहला नेटवर्क सेट ये है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला लगाया जा रहा है, वो किसके लिए, नोकिया, तो ये कंपनी का जो नाम है वो भी चर्चाओं में है। ठीक है, और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नासा को तो सब जानते ही, इंपॉर्टेंट बड़े बड़े काम वो करती रहती है। ठीक है, लेकिन इस बार जो पिक्चर में आया वो क्या है, नोकिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि पहला
ठीक है, ब्रॉडबैंड वहां पे लगाया जाने वाला। दूसरा तो देखिए क्या होता है, जो मून पे जाते हैं एस्ट्रोनॉट जाते हैं यानी कि अंतरिक्ष यात्री होते हैं जो वहां पे जाते हैं, तो उनको आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए और जो लोग वहां पे रहेंगे उनको कम्युनिकेट करने के लिए, और साथ ही साथ जो मशीनरी आप लेके जा रहे हैं, मशीनें जो आप लेके जा रहे हैं, तो उनमें भी क्या होना चाहिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको कम्युनिकेशन सिस्टम वहां पे डेवलप करना ही था। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई है, नोकिया को ये दी गई है जिम्मेदारी। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं ये नोकिया का जो ब्रॉडबैंड है कम्युनिकेशन, ये क्या क्या प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ वहाँ पे ब्रॉडबैंड ये प्रोवाइड कराएगा, यानी कि वॉइस कॉलिंग, यानी कॉल कर सकेंगे आप। ठीक है, वीडियो कम्युनिकेशन, जैसे वीडियो कॉल यहाँ पे करते हैं, ठीक है, लैपटॉप पे करते हैं या मोबाइल पे करते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे भी ये वीडियो कम्युनिकेशन वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी दी गई है नोकिया को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज़ वहाँ पे क्या है भाई, लोगों को वहाँ पे रहना है तो ज़मीन में आपको खुदाई भी करनी पड़ेगी, यानी बहुत सारी मशीनें ऑपरेट कराना पड़ेगा, तो उन मशीनों को देखते हुए कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि इंसान उसको मशीन को लेकर ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक मशीन होगी तो उनमें कम्युनिकेशन कमांड देने के लिए आपको कम्युनिकेशन सिस्टम आपको डेवलप करना ही था वहां पे। तो ये सारी जिम्मेदारी दी गई है किसको, नोकिया को दी गई है कि आप ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम वहां पे सेटअप करोगे। नोकिया कंपनी के जो हेड हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनका नाम है सारी बाल्डॉफ। ठीक है, तो ये इनके हेड हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नोकिया और साथ में कौन, सारी बाल्डॉफ, ये किसके हैं, नोकिया के हैं। नासा के कौन है, तो कौन है भाई, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर होता है, कौन है, जिम ब्रंडनस्टाइन। ठीक है, ये है, तो दो नाम काफ़ी चर्चाओं में है, ये नोकिया की वजह से। नोकिया बहुत ज़्यादा दिनों बाद हमारे, अब क्या कहते हैं, चर्चाओं में आई है। ठीक है, पहले लगभग लुप्त सी हो गई थी इंडिया से। ठीक है, अच्छे महंगे हैंडसेट बनाया करती थी पहले और रिलायबल टिकाऊ हुआ करते थे, लेकिन अब फिलहाल एक बार फिर से चर्चाओं में आई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।